नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्लस चैनल। दोस्तों, आज हम आपको राजस्थान के डेजर्ट नेशनल पार्क की ओर ले चल रहे हैं। इन दिनों भीषण गर्मी हो रही है, ऐसे में डेजर्ट में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका होता है। इस स्थिति में वन्य जीव कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इसको हम जानेंगे, क्योंकि ये जो डेजर्ट है यहाँ पर बहुत सारे वन्य जीवों की शरण स्थली है। खास करके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो इंडेंजर स्पीसीज़ है वो यहाँ पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क की ओर। डेजर्ट नेशनल पार्क भारतीय राज्य राजस्थान में जैसलमेर और बाड़मेर शहरों के पास स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह उद्यान 3,162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें से 1900 वर्ग किलोमीटर जैसलमेर का हिस्सा है और 1,262 वर्ग किलोमीटर बाड़मेर जिले का हिस्सा है। पार्क के लगभग 20% हिस्से में रेत के टीले हैं। अभयारण्य के 9 सैटेलाइट क्षेत्र हैं: आकल, रामदेवरा, उजला जैसलमेर में, धोनी मना बाड़मेर, कोलू, फिटकासनी जोधपुर, पांचला सिद्धा नागौर, सांचौर जालौर और दीवयात्रा बीकानेर में। यह भारत के सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। डेजर्ट नेशनल पार्क थार रेगिस्तान के पारिस्थितिक तंत्र का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। मरुस्थल में जल एक ऐसी वस्तु है जो अपनी अनुपस्थिति से अपना एहसास कराती है। यहाँ पर जलापूर्ति का कोई नियमित स्रोत नहीं है। भूमिगत जल स्तर काफ़ी नीचे है। कुछ एक कुएं या ट्यूबवेल जो यहाँ वहाँ उपलब्ध हैं, उससे मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति ही नहीं हो पाती, वन्य जीवों की तो बात ही बहुत दूर है। वन्य जीवों को मरुस्थल में पानी उपलब्ध कराना प्रबंधन का एक मुख्य बिंदु है। राष्ट्रीय मरु उद्यान में जगह जगह पानी को एकत्रित करने के लिए विशिष्ट स्थलों पर भूमिगत पाइप के जरिए पानी उपलब्ध कराने हेतु ढके हुए टैंक्स का नेटवर्क बनाया गया है, जिसे गजलर कहा जाता है। एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के बावजूद पक्षी जीवन यहाँ बहुतायत से पाए जाते हैं। यह क्षेत्र रेगिस्तान के प्रवासी और निवासी पक्षियों के लिए एक आश्रय स्थल है। कई चील, हैरियर, बाज, बजर्ड, टाइनी ईगल, स्पॉटेड ईगल, लैंगर फॉल्कन, कस्ट्रेल और गिद्ध यहाँ देखे जाते हैं। लुप्त प्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की ये आश्रय स्थली है, जो इस क्षेत्र में प्रजनन करता है और थोड़े समय के लिए आसपास के क्षेत्र में स्थानीय तौर पर प्रवास करता है। इसके अलावा प्रवासी पक्षियों में हुब्बारा बस्टर्ड, इंपीरियल सैंड ग्राउंड, इंपीरियल ईगल, स्पेनिश स्पैरो, रोजी पेस्टर, टोमाइसल क्रेन और कॉमन क्रेन आदि। सरीसृप की करीब 43 प्रजातियां यहां पाई जाती हैं। इनमें से प्रमुख हैं स्पाइनी डेल्ट लिजार्ड और मॉनिटर लिजार्ड। यहां पाए जाने वाले वन्य जीवों में मुख्य हैं डेजर्ट फॉक्स, डेजर्ट कैट, वुल्फ और चिंकारा। डेजर्ट नेशनल पार्क का एक अन्य आकर्षण है आकलवुड फॉसिल पार्क। यह जैसलमेर से मात्र 15 किलोमीटर दूर जैसलमेर बाड़मेर रोड पर स्थित है। करीब 21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ यह प्रकृति का एक अद्भुत करिश्मा है और लाखों वर्ष पूर्व यहां पाए जाने वाली सागरीय जीवों के जीवाश्म यानी फॉसिल्स के लिए यह प्रसिद्ध है। कहते हैं कभी यहाँ पे नदियाँ बहा करती थी, लेकिन वो सूख गई और उस नदी के किनारे जो भी पेड़ पौधे जानवर थे वो धीरे धीरे पत्थर के रूप में आज हैं। और यही कारण है कि इस क्षेत्र में यहाँ वहाँ फैले हुए करीब 25 वुड फॉसिल्स विद्यमान हैं, जिसमें से 10 फॉसिल्स का काफी भाग पृथ्वी की सतह से ऊपर अनावृत है। सबसे बड़े फॉसिल्स की लंबाई 7 मीटर और उसकी परिधि करीब 1.5 मीटर है। यहाँ पर जो भी फॉसिल्स जिस भी रूप में जहाँ भी मिले हैं उसी के ऊपर केज बनाकर इनको संरक्षित किया गया है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका मोटिवेशन हमारा हौसला बढ़ाता है। इस वीडियो को बनाने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है। जल्दी हम आपको कहीं और ले चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।